दुनिया के सामने अकड़ कर चलने वाला लड़का जब झुक कर तुम्हारी पायल बांधे तो समझो इश्क है। जी हाँ, बात इश्क की हो और प्रयागराज की ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और प्रयागराज के फूड्स की तो बात ही कुछ और है, उससे तो इश्क आपको हो ही जाएगा। तो चलते हैं आज के वीडियो में, हम आपको कुछ और फेमस फूड लोकेशंस दिखाते हैं प्रयागराज की। ये हमारे फेमस फूड इन प्रयागराज सीरीज का पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें भी हमने बहुत ही शानदार फूड लोकेशंस को एक्सप्लोर किया है। और आज हम कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करने वाले हैं वो आपको आज के वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घूमक्कड़ प्रयागी पे। तो चलते हैं आज देखते हैं हम लोग कौन कौन से फूड प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं। रात के सन्नाटे में झन्नाटेदार तरीके से भगाते हुए अपनी पैशन प्रो लेके फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं नेत्राम मूलचंद में नेत्रामगिरी शानदार कचौड़ी खाने, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और बात की जाए राजा राम के लस्सी की, रबड़ी की, खुरचन की और मलाइयों की, तो यार उसका कोई जवाब नहीं। क्या बात है, मज़ा आ गया। लोकनाथ चले गए और राजा राम की लस्सी नहीं पिए तो लोकनाथ जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलते हैं नेत्राम की कचौड़ी खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। 30 का 1.5, 30 का 2.5 ले लो मेरे भाई। बड़ा हरामी मिर्चा खाओ, मिर्चा भागो तिरछा, इतना तीखा मिर्चा। प्रकाश प्रकाश भाई, अर्ज है, मॉल और मल्टीप्लेक्स चाहे जितने ऊंचे ऊंचे खड़े कर लो, समझे? मॉल और मल्टीप्लेक्स चाहे जितने ऊंचे ऊंचे खड़े कर लो, खरीदारी के लिए भीड़ तो हमने कटरा में देखी क्या। और इस समय हम लोग पहुंच गए नेत्राम, शुद्ध देशी के द्वारा निर्मित मिठाइयाँ, नमकीन एवं पूरी कचौड़ी। नेत्राम तेरी ऐसी कैसी आप खाएं, पूरा खाई डाक सारे चाच कहाँ खाई तुरा ऐसे खड़ी कही दे, और देसी घी महकत आ यार। तो इस समय हम लोग नेत्राम की कचौड़ी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी दम आलू की सब्जी है, ये आपका बैगन की शायद सब्जी है, गोभी की सब्जी है, मीठी चटनी है, रायता है, और आप कचौड़ी के अंदर की स्टफिंग देखिए। हाँ, मसाले की स्टफिंग है, इसीलिए इसको कचौड़ी बोलते हैं। विदाउट स्टफिंग जो होता है ना उसे पूड़ी बोलते हैं। वो भी जो है बिना स्टफिंग वाले को भी कचौड़ी बोलते हैं, वो गलत है। असली में देखा जाए तो कचौड़ी यही है, और बाकी खा के मैं बताता हूँ कैसे है। गोभी खाओ गोभी। गोभी की सब्जी लाजवाब है, लाजवाब। गोभी सब्जी काफी अच्छी है। अब दम आलू ट्राई करते हैं। काफी बढ़िया, बढ़िया है ना। थम्स अप फॉर नेत्राम की कचौड़ी। मेन बात यह है, मतलब किसी भी इंग्रेडिएंट की जो क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा कम नहीं है। आप इसको भरपेट खा सकते हो, ऐसा नहीं कि थोड़ा ही खा के आपके दिमाग खराब हो जाने वाला है, भरपेट खा सकते हो आप इसको। तो यह नेत्राम की कचौड़ी खा के मन हो चुका है प्रसन्न, और काफी अच्छा था। जितनी भी सब्जियां थी, मुझे गोभी की सब्जी सबसे ज्यादा पसंद आई, रायता भी लाजवाब था,
ओवरऑल आई वुड लाइक टू गिव इट 7.5 out of 10। और अभी हम लोग आ गए महारानी जायका, प्रयागराज का मेडिकल का डोसा खाने, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो चलिए अंदर चलते हैं, एंट्री लेते हैं। कैमरा है कोरोना। अच्छा चलो चलो, हमका लगा। ओ भाई शानदार। तो भैया जो आप ये होटल देख रहे हैं महारानी जायका, वो तो अब बन गया है। आप थोड़ा कुछ साल पहले अगर आप आए होते इलाहाबाद में, तो एक ठेले पे ही लगते थे ये डोसे, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। जो आपका MNIT मेडिकल कॉलेज है उसी के जस्ट सामने लगता था। बट अब देखिए, ठेले से उन्होंने पूरा एक होटल खड़ा कर दिया है। मतलब इनका डोसा इतना ज़्यादा फेमस था, उसके टेस्ट ने आज ये बिल्डिंग खड़ी कर दी है, और इसी के बराबर की बिल्डिंग बगल में भी कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो हैट्स ऑफ है जायसवाल डोसा को। और एक मुख्य बात बताना चाहूँगा कि आज भी इनके जो डोसे हैं वो ठेले पे ही बनते हैं। अगर आप होटल के बाहर देखेंगे तो इनके डोसे हैं वो आज भी ठेले पे बनते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी रूट आज तक नहीं भूले। तो यहाँ पे कुछ तकनीकी खराबी के चलते हमारा ऑडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाया, तो कोई ना मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ प्रकाश भैया की वॉइस में। तो प्रकाश भाई बोल रहे हैं कि डोसा लाजवाब है भाई साहब, और जो बाहर लिखा है ना कि देसी घी से बना, वो सही है। प्रकाश की आवाज़ ऐसी नहीं है। तो प्रकाश बोल रहा था कि डोसा लाजवाब है, और जो बाहर लिखा हुआ है ना देसी घी से बना, तो वो बात सत्य है। मीन्स देसी घी का आपको टेस्ट मिल जाएगा। और जब मैंने प्रकाश से पूछा भाई कितना रेटिंग दोगे 10 में से, तो मैंने बोला 8 ना। कह रहा है भाई 8 नहीं, हाँ 7, देखो ये बोला ना 7, तो भैया ने 7 पॉइंट दिया। तो बात की जाए अगर प्राइसिंग की, तो जो हम मसाला डोसा खा रहे हैं उसका जो प्राइस था वो था 115 रुपये, और अगर सारी वेराइटीज़ में आप जाएंगे तो वो और भी महंगी होगी। ये सबसे सस्ता था 115 रुपये का। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो 90 रुपीज़ का था, और ये अब 115 रुपये हो गया है। तो रेट थोड़ा इनका बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो भैया उस पर कंट्रोल कर लीजिए। बाकी ओवरऑल तो सब बेस्ट है, बेस्ट। पहले आलू की सब्जी, देसी घी में तैयार होता हुआ। ये देसी घी है ना, और ये देसी घी आप देख रहे हैं भर के लबालब देसी घी में तैयार होता हुआ। तो फाइनली आपका जायसवाल डोसा का जो डोसा है वो बन के तैयार हो चुका है। थैंक यू सो मच भैया। भैया का तस्वीर, भैया की स्माइल कर दीजिए। ये बात बताएंगे हमारे बारे में, कैमरा कैसा लगा आपको? कैमरा लगा। और भैया यहाँ पे काम करते हैं महारानी जायका में, तो भैया से जब भी आइए मिलिएगा ज़रूर, भैया बहुत स्वीट है। थैंक यू सो मच। ये है VIP। अरे सुनील चाट भंडार, ये है VIP। VIP रसगुल्ला स्वादिष्ट अनिल केसरवानी, VIP रसगुल्ला 15 रुपया स्वादिष्ट अनिल केसरवानी, VIP रसगुल्ला 15 रुपया स्वादिष्ट रसगुल्ला अनिल केसरवानी। अभी कैसे कैमरा खुला है? अरे भैया पूरा ये सीसन देखी थी मैं। और इस समय हम लोग आ गए हैं VIP रसगुल्ला में रसगुल्ला खाने। प्रकाश भाई एक रसगुल्ला ऑर्डर करते हैं। ठीक ठीक रुक जा भाई, मैं देख चुप कर रहे पता चला 500 पड़े खाए भैया एक रसगुल्ला। स्टार्ट। तो अभी इस समय हम लोग खड़े हैं मेडिकल चौराहे के थोड़ा सा अंदर साइड आएंगे, जो आपका ये रामबाग के लिए जो ओवरब्रिज गया है उसके नीचे साइड में राइट साइड में आपको मिलेगा VIP रसगुल्ला। और इनका जो रसगुल्ले का रेट है वो 15 रुपीज़ है पर पीस। और बाकी आपको खा के बताते हैं कैसा है। लेकिन इनके रसगुल्ले का जो शेप है वो बेलना का टाइप का है थोड़ा सा, ये शेप थोड़ा डिफरेंट है। और बाकी खा के आपको बताते हैं कि कैसा है। देहाती का तो बड़ा ट्राई किया लेकिन VIP पहली बार आ रहे हैं।
काफी बढ़िया। अगर देखा जाए ना तो देहाती टेस्ट से काफी मैच कर रहा है। एक एक पीस छोड़ना, एक एक बाइट बस, थोड़ा मतलब थोड़ा, कितना खा जो। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी खाएं। सर प्लीज हैव इट। गिर गया, कोई निकालो खा। दर्शकों के नाम का खेल गिर गया। हाँ सही बात है, दर्शक कहे थे बेटा तुम खिलाए के साले मजा ले रहे हो। खाओ। थोड़ा ऐसे खड़े हो भाई, रसगुल्ला खा गया यार, मुंह के अंदर लग गया पेट में। तो भैया बात की जाए देहाती रसगुल्ला और शहराती वीआईपी रसगुल्ले की, तो भैया देखो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। बिकॉज भैया देहाती रसगुल्ला का कोई अल्टरनेट फिलहाल तो नहीं है, और वीआईपी रसगुल्ला भी लाजवाब है। सेकेंड प्रायोरिटी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, टेस्ट डिसेंट है। और देहाती रसगुल्ला जब खुलेगा तो उसको भी कवर करेंगे भैया, यार उसके बिना कैसे काम चलेगा। बाकी वीआईपी रसगुल्ला भी डिसेंट है, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। एज आई हैव प्रॉमिस, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो अगली सुबह आ गए सैनिक स्वीट्स पे दही जलेबी ट्राई करने हैं भैया, इसके बिना कैसे। दोस्तों कैसे हैं आप सब, और मैं आ गया हूँ सैनिक स्वीट्स पे। लास्ट टाइम जब मैं प्रकाश के साथ आया था तो उस वक्त बज रहे थे 11:30 और दही जलेबी हो चुकी थी ख़त्म। तो आज दूसरे दिन आए हैं, थोड़ा जल्दी आए हैं, दही जलेबी मिल चुकी है और आपको खा के बताते हैं कैसी है। बिकॉज जो यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है वो है यहाँ की दही जलेबी, और मुझे थोड़ा सा अकेले व्लॉगिंग करने में अजीब लग रहा है, बट कोई ना, अपना काम करते रहना चाहिए। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप इस समय आप कोविड के टाइम में अगर आप सैनिक स्वीट्स आते हैं तो वहाँ आपको पैक करके मिलेगा, आप वहाँ पे खा नहीं सकते अंदर, तो शासन के सख्त आदेश हैं। सो चले खाते हैं, आपको बताते हैं जलेबी कैसी है। बात की जाए यहाँ के दही जलेबी की तो लाजवाब टेस्ट है, और मैं खा रहा हूँ आप देख सकते हैं। आपको दोने में नहीं मिलेगा, आपको पैक्ड मिलेगा, और आप सामने बाइक खड़ी करके वहीं पे खा सकते हैं। सो मैं खा रहा हूँ और लाजवाब टेस्ट, और दही भी लाजवाब, जलेबी भी लाजवाब। तो जलेबी इतनी टेस्टी थी कि घर वालों के लिए भी पैक करवा ली है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो फाइनली हम लोगों ने अपनी शूटिंग ख़त्म कर ली है। हम लोग इस समय हैं महारानी जायका के सामने, और बहुत ही शानदार यहाँ का जो है डोसा खा के हम लोग को मज़ा आ गया। वैसे डोसा हम लोगों ने कई बार ट्राई किया था, लेकिन खा लिया भाई, वीडियो पहली बार बनाया। और प्रकाश भाई क्या बोलना चाहोगे? अरे भाई खा खा के सुबह से दिमाग खराब हो गया, बहुत खा लिया यार, इधर का उधर का यहाँ का वहाँ। खाना कैसा था ये? खाना लाजवाब था। ये आज वाला लंच या डिनर हुआ लाजवाब था, बहुत बढ़िया था। दरअसल हम लोग सुबह से ही खा रहे हैं, आप सबके लिए इतना कर रहे हैं, मतलब सुबह से लोकनाथ हो गया, नेत्राम हो गया, आपका जायसवाल डोसा हो गया, तो इतना खा खा के ना बहुत ज़्यादा पेट भर चुका है। तो भाई इस बात पे यार लाइक बनता है, और अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना इंस्टा स्टोरी पे, व्हाट्सएप स्टोरी पे, हर जगह शेयर कर देना। और भैया को जब भी आके मिलना तो राम राम या हेलो ज़रूर कहना। और भाई जितने भी जगह हम लोग घूमे अगर वहाँ पे जाना और खाना तो जरूर कमेंट पे ज़रूर लिख देना हम लोग की वीडियो पे, वहाँ गए और क्या खाया, ये सारी चीज़ें जरूर लिख देना कमेंट पे। और ये भी बताइएगा क्या आप इसका अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं, मतलब ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें हम लोगों ने अभी इतनी चीज़ें कवर की हैं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताइए कि हम अगले अपने पार्ट में कौन कौन सी जगह कवर करें क्या। तो चलते हैं, वीडियो फिलहाल यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो में कैसा लगा। और प्रकाश भाई को आना तो भाई कमेंट कर देना, प्रकाश भाई से जब भी मिलेगा सांप पकड़ाइएगा उनको। और चलो थैंक यू सो मच, चलते हैं, और लव यू ढेर सारा। किसी दे दो।